आज जो शेयर चुना गया है वैसे तो आज गैप अप ओपनिंग के साथ खुला, लेकिन अदरवाइज आप फंडामेंटल ग्राउंड पे से एक अच्छी कंपनी के तौर पर देख सकते हैं। होम मेटल को चुना गया है, वीरेंद्र बात भी कर रहे थे इसके बारे में। कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कारोबार के अंदर शामिल है और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स तो कंपनी ठीक ठाक देखने को मिले, इस क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे रह सकते हैं। हायर लेवल से अभी भी शेयर करीब 25 से 30% नीचे आ चुका है और इनफैक्ट बुक वैल्यू से भी करीब करीब 20% नीचे कामकाज कर रहा है। 56 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू, वहाँ से ये शेयर अभी नीचे कामकाज कर रहा है। इंजीनियरिंग बिजनेस और मल्टीप्लेक्सेज और रियल्टी बिजनेस कंपनी के दो प्रमुख कारोबार हैं। इंजीनियरिंग कारोबार में करीब 12 से 13% के आसपास की ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में थी और इस क्वार्टर में भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा रह सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कंपनी रियल स्टेट और मल्टीप्लेक्स कारोबार, ये कारोबार कंपनी का बेहतर परफॉर्म कर सकता है इस क्वार्टर के अंदर। पिछले क्वार्टर में करीब करीब 30% के आसपास की ग्रोथ थी और इस बार उम्मीद है कि 50% ज्यादा ही ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर इस कारोबार के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़ सकती है। कंपनी अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है वाईओवाई बेसिस पर और क्यूओनक्यू दोनों ही आधार पर कंपनी ने इंटरेस्ट कॉस्ट को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया है और गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसी रहते तो कंपनी के मार्जिन और अच्छे हो सकते हैं। FY17 में अनुमानित EPS करीब करीब 5 रुपए और 9 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि सेक्टर रफली 18 से 19 के मल्टीपल पर कामकाज करता है, तो एक अच्छी वैल्यू है। और इसी लिहाज से ही सुनिधि सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट को रिफर किया गया है, करीब 65 रुपए के टारगेट्स वो देख रहे हैं।